तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। और कहाँ चाह है और देखिए दोस्तों, ये हम लोग का नाश्ता क्या पीठा है, क्या पीठा मतलब कद्दू का पीठा है, कद्दू का पीठा है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी नाश्ता करने और इसी ये चली जाएगी अभी ड्यूटी, तो थोड़ा सा बच्चा को रोकना पड़ेगा। और कल शाम को डॉक्टर साहब जो थे वो ये पपीता का पत्ता मंगाए थे, तो मैंने उसको छोड़ दिया हूँ। ये इसको अभी मेरी वाइफ लेके चली जाएगी, उनको उनके घर में छोड़ देगी। ये देखिए पपीता का पत्ता वहाँ पे, अरे वो नका उसका, अरे देख, अरे मम्मी दो, मम्मी मम्मी बहुत होता है, तू बहुत मार सकती हो जैसे मैंने, अरे गोगो बाबू गोगो बाबू गोगो बाबू, अरे गोगो बाबू, अरे कहाँ कुछ बात करते दो लाला पूजा। तो अभी नाश्ता करेंगे फिर दुकान में बैठेंगे। ये लोग अभी नाश्ता क्यों लगा रहा है, मम्मी दौड़ चला डब्बू, मम्मी दौड़ चलो। तो देखते रहिए दोस्तों, अभी नाश्ता करके हम पता नहीं आज भी हम लोग मिट्टी लाने जाएंगे या नहीं, सुविधा ही नहीं हो रहा, देखते हैं। अरे गोको पांडे ने कहाँ रुका भी यार, बोरा भी रखी आइया, ग्लास को घुसा दिया सर इसमें सीधा। अरे गोको पांडे अरे नहीं पीबो है, मैं अलगा बनाई देवी, मैं अलगा बनाई देवी, धर धर मैं आई देवी, धर मैं आई देवी, धर अलगा बना देवी, धर 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 अलगा बना, अलगा बना। अरे चाटा है बेटा, अरे चाटा है, अरे चाह देवी, चाह चाह पीबू चाह। ये देखिए दोस्तों हम लोग का सुबह सुबह रोटी इस टाइप का दिख रहा। तो दोस्तों देखिए, ये स्कूल निकल रहे हैं इधर जाने के लिए अभी, और ये तो घोर चमत्कार हो गया, इसको देख के मुझे लगता नहीं है कि ये कभी स्कूल जाएगा, पर ये चमत्कार हो गया, ये स्कूल जा रहा है। अबे नाम बता अपना, नहीं शकल दिखा, शकल दिखा, ये स्कूल जा रहा है, बाप रे बाप। और ये मेरे बच्चे भी स्कूल चढ़ गए अभी, ये अब आ गया स्कूल से आ गया, और ये अपना स्कूल से आ गया। स्कूल जाओ चुके भाई, नहीं वो घूमने जा रहे घूमने, ओ माय गॉड स्कूल। तो दोस्तों आज चार पांच सामान में ही मेरा 1700 बिल हो गया, देखिए इतना ही में, बाप रे बाप, इतना ही में इतना बिल हो गया मेरा आज। सजाते हैं। तो है दोस्तों अभी 3 बज रहे हैं, और ये कोल्ड ड्रिंक्स मैंने रख लिया, देखिए कल से फ़ोन किया था उसको, अभी आया और छोड़ के गया है, और जो ज़्यादा चाहिए था वो नहीं है। मेरे को लग रहा है कि ये कोल्ड ड्रिंक्स के चक्कर में बहुत भयंकर ये होना पड़ेगा, मतलब सब तरफ ये स्टॉक रखना चाहिए, सिर्फ पैसा होता तो मैंने कम से कम 5-5 पेटी रख के रख ही रहता, क्योंकि ये धूप जैसे बढ़ रहा वैसे इसका स्टॉक ख़त्म हो रहा है ये होलसेलर के पास भी, तो इसका शायद मेरे को लग रहा है कि प्रॉब्लम होगा। अभी तो थोड़ा सा ही धूप हुआ है, पर अभी मैं इसको पुराने नहीं पा रहा हूँ, और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है कि मैं ज़्यादा स्टॉक माल रख सकूँ, ये लोग से ज़्यादा माल खरीद के रख सकूँ, बस एक एक दो दो रख रहा हूँ, और ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, और जब मैं मंगाता हूँ तो उन लोग के पास भी नहीं होता, प्रॉब्लम होगा मेरे को लग रहा है, पर क्या करें, देखते हैं धीरे धीरे अगर हो जाए तो कम से कम 5-5 पेटी एक्स्ट्रा रख लेते, और उसके बाद जो भी कीड़े हो रहा है उसको मंगाते रहते तब जाके अच्छा होता, पर उतना पैसा है नहीं फिर भी अभी। और अभी मैंने जो वो फ्रिज वाले को भी कॉल किया था, तो वो बोल रहा है कि 20-22 तक आएगा, अभी कहीं नहीं आ रहा है किसी का ऑर्डर, जो फ्रिज है वो किसी का आया नहीं है, तो हम लोग का भी अभी आने में लेट है, तो 20-22 तक आ जाएगा बोला है, देखते हैं अगर आता है तो ले लेंगे। उसके बाद ये कोल्ड ड्रिंक्स जो थम्सअप वाला है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, और ये भी ख़त्म हो गया है, देखिए 2 ही ट्रे बचा है, माजा आधा ट्रे और ये थम्सअप आधा ट्रे, स्प्राइट ख़त्म हो गया। फिर अभी उसको बुलाना पड़ेगा, अब देखते हैं आज शाम को कितना पैसा हो रहा, नहीं तो उसको भी कल बुलाएंगे, अब पता नहीं आज मतलब कल बुलाने से वो आएगा या नहीं, वो भी नहीं पता मेरे को, ये फर्स्ट टाइम है उन लोग से कॉल करके जब बुलाऊँगा, वो लोग बोला था कि कॉल करेगा हफ्ता में 1-2 बार, पर कोई अभी तक किया नहीं है कॉल, फिर भी देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स जो था उसको ख़त्म हो गया है अभी, और नया अगला आया है अभी, ये वाला फ्रिज मेरा जल्दी से ठंडा नहीं कर पा रहा, नॉर्मल चीज़ें तो अभी ठंडा मांगता, पर मेरे पास ज़्यादा होता नहीं है जल्दी ठंडा,
इसलिए वो नहीं आ जाता तो जल्दी होता। तो सजाते हैं दोस्तों, बने रहिए। बच्चे बकवासी कर रहे हैं बाहर तरफ और मैं तो दुकान पे हूँ। तो है दोस्तों 8:30 बज रहा है अभी। और दोस्तों आज घर में थोड़ा टेंशन चल रहा है, माँ और पापा के बीच भयंकर थोड़ा झगड़ा हो रहा है आज, पता नहीं क्या है। और हाँ, वो जो मेरा मामा का लड़का था गांव गया था, वो अभी आया जस्ट, और घर तरफ झगड़ा हो रहा तो मैं उधर जा ही नहीं रहा, क्या हो गया का पता यार। मैं दिखाऊंगा भी नहीं, इस चीज़ को दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि लड़ रहे हैं, क्या क्या हो रहा क्या नहीं पता नहीं। और कल हम लोग शायद जाएंगे मिट्टी लाने के लिए, और मेरा थम्सअप वाला भी शायद कल आ जाएगा, आज मैंने उसको कॉल किया था, तो देखते हैं कल कौन होगा, कौन सा काम हो रहा है। अभी तो वही घर का आवाज सुनाई दे रहा है मेरे को, लड़ाई का, तो सुनते हैं, दिखा तो नहीं पाऊंगा। तो है दोस्तों 10:30 बज गया रात के, और अभी थोड़ा ठंड हो गया है घर का माहौल, फिर भी रात को फिर स्टार्ट होगा मेरे को पता है, पर क्या करें। तो दोस्तों अभी दुकान बंद करके हम लोग आ गए हैं, और देखिए मेरे बच्चे सब सो चुके हैं, ये देखिए मेरे तीनों बच्चे, ये बड़ा वाला है, ये बीच वाला है, और ये छोटा वाला है, सब सो चुके हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, अभी खाना खाने के बाद सो जाएंगे। ये देखिए मेरा खाना भी आ गया, तो कितने खाना है तो मानो बोल रहे हैं, इतना सारा खाना ले आइए देखिए। तो दोस्तों हम लोग खाना खा के सोते हैं, और आप लोग भी सो जाइए, और आज का वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और मिलेंगे कल के ब्लॉग पे, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, जय श्री राम।